मैं कोई वेट नहीं करने वाली सर, बस मैं वापस आ रही हूँ। सोच लो, वापस आने के लिए नहीं भेजा तुम्हें मैंने, और हिम्मत तो है तुम में। देर रात सुनसान मोहल्ला, नई जगह, और तुम दूध लेकर आई। आपको कैसे पता? वो सब जाने दो, आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में धरा। नई जगह है इसलिए छोटी प्रॉब्लम से तुम्हें बड़ी लग रही है, और तुम कब से इतना डरपोक हो गई? मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन शुभांगी की जिंदगी और खतरे में नहीं डाल सकती मैं। उसे और मुश्किल में नहीं डालना है मुझे, तो मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हो नहीं। मम्मा, वो डिनोसॉर्स वाली कहानी सुना ना। अरे कल रात ही तो सुनाई थी। लेकिन मैं सो गई थी। ओके। तो बहुत ही डिफिकल्ट और जबरदस्त मैच चल रहा था। डीन जोन्स की जो टीम थी ना, उस टीम की हालत बहुत ही खराब थी, और उन्हें जीतने के लिए डीन जोन्स का खेलना बहुत जरूरी था। डीन जोन्स बैटिंग करने के लिए आया तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उल्टियां होने लगी उसे। वो एक बॉल खेलता था फिर उल्टी करता था, एक बॉल खेलता था फिर से उल्टी करता था। तो उसके टीम वालों ने उससे कहा कि अब तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। तो पता है डीन जोन्स ने क्या कहा? डीन जोन्स ने कहा कि मैं अभी आउट नहीं हुआ हूँ, मैं खेलूंगा, मैं पिच पे मर जाऊंगा लेकिन आउट हुए बगैर वापस नहीं आऊंगा। बहुत ही अच्छी कहानी थी। मेरी टीचर कहती है कि हर एक कहानी का एक मोरल होता है, तो इस कहानी का मोरल क्या है बताओ तुम्हें क्या है? हमें हिम्मत से लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डीन जोन्स ने कहा कि मैं अभी आउट नहीं हुआ हूँ, मैं खेलूंगा, मैं पिच पे मर जाऊंगा लेकिन आउट हुए बगैर वापस नहीं आऊंगा। क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो।
अरे गिर जाओगी, डर नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं मामा, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं भी डेन जॉन्स हूँ। नीचे आ जाओ, जाओ टेडी के साथ खेलो। बोलो जरा, कौन सी डांस आ रही हो? मेरा क्रिकेट किट किस ट्रेन से आ रहा है? तुम तो वापस आने वाली थी। मैं अभी आउट नहीं हुई हूँ सर। धरा मेरी किसी से नहीं डरने वाली डीन जोन। खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूंगी। चाय लाओ। अरे धरा आओ, आओ अंदर आओ। प्लेट लेके आई थी। कैसे लगे मेरठ के छोले? एकदम मस्त। आओ ना बैठो। वैसे धरा, तुम्हें अगर छोले पसंद आए ना तो उसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च में पिसा हुआ धनिया डाल सकती हो, स्वाद और बढ़ेगा। यहाँ के ना मसाले थोड़े से अलग है। ओके। लगता है आपको भी क्रिकेट से बहुत प्यार है। नहीं, मुझे मेरे बाबूजी से बहुत प्यार है। अरे हो गया, मैंने ना कड़ी में पकौड़े डाले। अगर रेसिपी पसंद आया ना तो कल बताती हूँ। थैंक यू दीदी, बहुत ख्याल रख रही है आप हमारा। फिर से थैंक यू। अब तुम भी तो मुझे गुजराती खाना खिलाओगी ना? ऑफ कोर्स। अब पड़ोसी जो बन गई हो। आती हूँ। हाँ अच्छा, ये बैट किसका है? पुरानी याद है धरा, ना छेड़ो तो अच्छा है। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया हो तो मैं बस... नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया कहाँ है? उसके लिए खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। दीदी, हाँ ये कर्फ्यू कब खुलेगा? अब धरा मुझे ये तो पता नहीं कि कर्फ्यू कब खुलेगा, पर जब खुलेगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये शहर ऐसे दौड़ने लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कर्फ्यू लगा भी था या नहीं। आई होप जल्दी खत्म हो जाए। Thank you.
चलना जल्दी। सर मेरी छुट्टी पर भी साइन कर दीजिए, मेरे बेटे गोलू का हैप्पी बर्थडे है। इतने दिनों से कर्फ्यू चल रहा था, छुट्टियां ही मना रहे थे ना, क्या कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी? छुट्टी मांगने आए थे, जब देखो मैं कमिंग सर। हाँ आइए। हेलो सर, मेरा नाम धरा है, मुंबई से आई हूँ, रॉय सर ने भेजा है कोच की पोस्ट के लिए। अरे हाँ हाँ हाँ, आइए बैठिए, दो मिनट दीजिए मैं काम खत्म कर लूँ। ये स्कूल है? हाँ बेटा स्कूल है। ऐसा? हाँ दादा जी, रॉय ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। जी बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तुम एक काम करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो क्लार्क के यहाँ जमा करवा दीजिए और फिर लग जाइए काम पे। जी सर। सर मैं सोच रही थी शुभांगी का भी एडमिशन अगर यहीं पे हो जाए तो अच्छा होगा। मम्मा मैं ऐसे स्कूल में थोड़ी पढ़ूंगी। शुभांगी सॉरी सर, वो क्या, वो एकदम उसे नया नया लग रहा है ना सब, तो नहीं नहीं दरअसल से सब पुराना पुराना दिख रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, मुंबई से आई है अब अजीब सा तो लगेगा ही ना। बेटे आपको कोई पोएम आती है? डेन जॉन्स वाली कहानी सुनाऊं? कहानी कितनी लंबी कहानी है बेटे? बहुत ही लंबी। सुन अरे 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 भाई, फिर तो किस दिन वक्त ज्यादा होगा तब आपकी ये कहानी सुनेंगे। आज तुम्हें क्लास में एडमिशन दे देते हैं। और गिनती कहाँ तक आती है? वहाँ ये कौन से क्लास में थी? वो सीनियर केजी। सीनियर केजी? चलो वो भला तो यहाँ है ही नहीं, एक काम करते हैं इसे सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास में डाल देते हैं। बेटे गिनती कहाँ तक आती है? 20 तक। अच्छा 20 तक आती है? 20? शुभांगी 15 तक आती है, 20 क्यों बता रही हो? 20 तक आती है। शुभांगी झूठ बोल रही हो तो? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। अच्छा बेटा गिनती सुना। 1 2 3 4 5 6
कोई बात नहीं बेटे, चार नंबर है, जल्दी सीख जाओगी। लगता है लाइट चली गई है। बोला जी सर। एक काम करो, बच्ची को फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास में ले जाओ और मैडम को पूरा स्कूल दिखाओ, और उसके बाद स्टाफ रूम में लेके जाओ, वहां जाके बाकी लोगों से भी मिल लोगी। जी थैंक यू सर। चलिए बाय बेटा। आइए मैडम, मुझे भोला कहते हैं। चल से भोला कहते हैं। वाह भोला कहते हैं से। आइए आइए मैडम, ये हमारी नई टीचर भारा मैडम। नमस्ते। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? क्रिकेट। क्रिकेट? ये तो खेल होता है ना? हाँ मगर मैं क्रिकेट ही सिखाने आई हूँ। अच्छा कोच हो? जी। ये मेरी बेटी है शुभांगी, आज से आपकी नई स्टूडेंट। बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब जाओ बैठो। चलो बैठो। नहीं है शायद, इसलिए थोड़ा सा डर रही है। आप बैठ जाइए इसके साथ, धीरे धीरे इसको आदत हो जाएगी बच्चों के साथ बैठने की। जी ओके। चलो मैं हूँ, चलो आओ। अब जाओ बैठ जाओ। थी मम्मा कबूतर की पोती। तुम बैठ जाओ, मम्मा साफ करके दे। चलो बैठो। चल हो गया साफ। अब सारे बच्चों से मैं सवाल पूछूंगी और जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा और फिर जवाब देगा, ठीक है? चलो। आ से बताओ, तुम्हें पता है ना, ए से एप्पल। बता दो, हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ। आ से एप्पल। शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलो बच्चों अब बताओ, से कबूतर। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने, तो आज से तुम आगे वाली सीट पर बैठो। आ जाओ। नहीं मम्मा मैं आपके साथ बैठूंगी। अरे टीचर ने प्राइज दिया तुम्हें, सही जवाब दिया ना, ऐसा नहीं करते। जाओ जाके बैठो आगे, मैं हूँ इधर ही। जाओ गुड गर्ल, जाओ जाओ। अब वहां मत बैठो, इधर इधर बैठो। मैडम एक बात पूछूं, बताएंगी आप? जी। आपको स्वेटर बुनना आता है? नहीं। एक हमारी इंग्लिश की मैडम है सुमित्रा जी, वो गर्मी के सीजन में भी स्वेटर बुनती रहती हैं। उनके क्लास के बच्चों को काऊ का ऐसे तक याद नहीं। मैडम ये सरकारी स्कूल है, यहाँ आप कैसे टाइम पास करेंगे? आपको कोई और हॉबी है ना? क्या? और एक हमारे हिस्ट्री के टीचर है बेग साहब, वो इतने खराटे लेते हैं, इतने खराटे लेते हैं कि उनकी खराटे गिनकर बच्चे गिनती सीख जाते हैं। और हमारे प्रिंसिपल साहब से तो आप मिली चुकी हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कभी इस स्कूल का बुरा नहीं होने दिया, और उनके रहते हुए कभी कुछ इस स्कूल का अच्छा भी नहीं हो सका। और ये रहा हमारा खाने का एरिया। अच्छा मैडम आप खाना क्या घर से लाएंगे? जी हाँ, क्यों? ठीक है, अच्छी बात है। बस आप टिफ़न जो है मिश्रा जी के सामने मत खोलिएगा। मिश्रा जी वैसे तो स्पोर्ट्स के टीचर हैं लेकिन पेट से एकदम हलवाई लगते हैं, सच में मैडम। और ये रहा हमारा स्टाफ रूम, सभी के सभी आपको यहीं पर मिलेंगे। जी ओके। अच्छा मैडम आप अपनी फाइल दीजिए, मैं इसे जमा करा देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।